वेलकम टू द शो सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं विपिन कुमार, एक्टिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका स्वागत करता हूँ सक्सेस फिल्म एकेडमी में। दोस्तों, आज इस फिल्मी ज्ञान एपिसोड के अंदर हुसैन कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उसका बखूबी आंसर दूं। यस हुसैन, ऑडियंस की तरफ देखिए। अब आज इस ऑडियंस के लिए क्या यूनिक क्वेश्चन लेके आए हैं आप, प्लीज पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरी है सर? ऑल राइट। और इसके अलावा आप जाना चाहते हैं कि गॉडफादर क्या है, जो अगर नहीं रहते उसको काम मिले ना मिले, राइट? और जो जिसके गॉडफादर नहीं होते सर, उसको काम मिलता है और वो भी ऊपर जा सकता है, एक स्टार बन सकता है? ऑल राइट। दोस्तों, बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछा है हुसैन ने। आई रियली अप्रिसिएट हुसैन कि आपने ये बेसिक क्वेश्चन इस फिल्मी ज्ञान एपिसोड के अंदर आप लेके आए हैं। दोस्तों, ईमानदारी से आपको बताऊं, गॉडफादर होना जरूरी नहीं है। गॉडफादर होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, कई सारे ऐसे नाम हैं जैसे कार्तिक आर्यन हैं, सुशांत सिंह राजपूत हैं, अक्षय कुमार हैं, कंगना रनौत हैं, है कि नहीं है? जी जी सर। कई सारे ऐसे कलाकार हैं, राजकुमार राव हैं, नौजवान सिद्धि बोलिए, देर है लेकिन अंधेर नहीं। एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, देर है अंधेर नहीं। गॉडफादर का मतलब होता है दोस्तों, एक ऐसा पर्सन जो नए कलाकारों को हेल्प करता है, मदद करता है आगे ले जाने के लिए। अगर आपके पास नहीं भी है ना, अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आपके अंदर टैलेंट है दोस्तों, एक दिन दुनिया आपको सलाम करेगी, एक दिन दुनिया आपको सर आंखों पे बैठाएगी। हुसैन जी सर, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। और परफेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ेगी हुनर को आगे ले जाने के लिए, दिन प्रतिदिन कोशिश करनी पड़ेगी। राइट? सो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपका मुंबई में कोई नहीं है, अगर आपका बॉलीवुड में कोई नहीं है, अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई आपको नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ हुसैन, अगर आप अलाउ करें, कैन वी डू दैट? जी बोलिए, बताऊं मैं बारी बारी से। सो पॉइंट नंबर वन, इनको मुंबई आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? मुंबई आना पड़ेगा। जो भी नए कलाकार मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, इनको मुंबई आना पड़ेगा। बिना मुंबई आए हुसैन नहीं हो सकता। जी सर, ऑल राइट, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू हुसैन, इनको आके अपने एक्टिंग एबिलिटी को निखारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्टिंग एबिलिटी को निखारना पड़ेगा। यहाँ पे उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? पॉइंट नंबर थ्री, उनको सब्र रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सब्र रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर फोर, उनके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, एटिकेट्स, बिहेवियर, साउंड और जितने भी अदर स्किल्स हैं, जैसे डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, उस पे अगर वो सीखना चाहते हैं, स्विमिंग है, कराटे है, अपने आप को और ज्यादा ग्रूम करना। क्या करना? ग्रूम करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर फाइव यहाँ पे है, एस्पायरिंग एक्टर्स और एक्ट्रेस, अगर आप सुन पा रहे हो, आप ऑडिशन पे फोकस करें। क्या करें? ऑडिशन पे फोकस। यही एक जरिया है, यही एक तरीका है उन लोगों के लिए जिनका मुंबई में कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन हुसैन, होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो भी नए कलाकार मुंबई आते हैं, वे बिना सीखे, बिना तैयारी किए ऑडिशन देने चले जाते हैं। उससे होता क्या है, वो अपना बेस्ट दे के नहीं आते। समझ पा रहे मेरी बात? से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बिना सीखे जाके कैमरे के सामने खड़ा होगा, लड़का या लड़की खड़ा होगा, अगर उसको बेसिक एटिकेट्स नहीं मालूम है कि किस तरीके से उसको कैमरे के सामने बिहेव करना है, किस तरीके से कौन से एंगल में बोलना है, कैसे कैसे वॉइस मॉड्यूलेट करना है, कैसे कैसे अलग अलग मेथड्स में जाके इमोशंस, नॉरस पे काम करना है, और ये प्रैक्टिस से आता है हुसैन। और दोस्तों, यहाँ पे मैं हुसैन के माध्यम से, इस फिल्मी ज्ञान एपिसोड के माध्यम से आपके सामने एक मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी में हुसैन जो ये एकेडमी है, सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी, ये इन्हीं लोगों के लिए तो है। ये जो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं हमारे भाई बहन, इन्हीं लोगों के लिए है कि बहुत ही चंद पैसों में, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मुंबई में रहने को भी देते हैं, सीखने के लिए भी गाइड करते हैं, राइट? पेइंग गेस्ट के लिए सलाह देते हैं, हॉस्टल के लिए सलाह देते हैं, ये लोग सीख के और आगे जा सकते हैं हुसैन। सो दोस्तों, एट द एंड में इतना ही बोलना चाहता हूँ कि गॉडफादर होना जरूरी नहीं है, हुनर होना जरूरी है। जी सर, बेस्ट। कैसा लगा आपको ये जानकारी? आपकी जानकारी हमको समझ में आई सर, और हमारे ऑडियंस को भी समझ में आई, और ये जानकारी ऑडियंस को ये चाहिए कि सर जो जानकारी दिए हैं, गॉडफादर होना जरूरी नहीं है, आप बगैर गॉडफादर के भी मुंबई में आ सकते हैं, मुंबई में आ सकते हैं और एक बड़े कलाकार बन सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच।